अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं आप? दोस्तों, आज की वीडियो हमारी चाइना की एलसीडी टीवी छोटा 17 इंच का, जिसकी प्रॉब्लम है यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रही। यूएसबी पोर्ट में यूएसबी लगाते हैं, कनेक्ट नहीं हो रही। हम उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि यूएसबी क्यों नहीं कनेक्ट हो रही, इसको चेक करते हैं मीटर के साथ, टेस्ट करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू। आइए आपको बताते हैं कि चाइना की एलसीडी का मसला क्या है। ये एलसीडी है, एलसीडी टीवी चाइना की, जो सी आजकल लोकल तैयार हो रही हैं, और इसकी यूएसबी पोर्ट ये लगी हुई है। इधर हम ये यूएसबी लगाते हैं, कनेक्ट नहीं हो रही। तो इस कनेक्ट ना होने की वजह, अब हम इसको खोलेंगे तो चेक करते हैं मीटर टेस्टिंग बोल्ट, देखते हैं हमारा क्या मसला है, इसका कनेक्ट क्यों नहीं हो रही। तो इसका सलूशन आपको बताएंगे क्या करना है आपको। इसका फ्रंट डायल हम ओपन करते हैं दोस्तों। इसकी बैक के स्क्रू खोलेंगे हम। दोस्तों, डायल हमने ये उतार लिया। ये इसका पैनल है, ये 17 इंच की है, एलसीडी है। तो इसको हम पावर सप्लाई लगा के इसके वोल्टेज चेक करेंगे यूएसबी पोर्ट के। दोस्तों, रिमोट से इसकी पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन हो गई है। तो इसका मसला ये है, ये देखें, ये हमारी ये यूएसबी है, पोर्ट में ये यूएसबी लगाएंगे। दोस्तों, यूएसबी हमने लगाई है, ये देख लें, इधर यूएसबी कनेक्ट शो नहीं कर रहा। जब हम यूएसबी लगाते हैं, इधर यूएसबी शो हो जाती है कि यूएसबी कनेक्ट हो गई है, तो यहाँ कनेक्ट नहीं हुई, हमने इधर पोर्ट में लगाई हुई है, ये देखें यूएसबी। अब इस पोर्ट को हम उतारेंगे। ये पोर्ट को हम ये उतार लिया, इसके वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों, ये देखें, ये यूएसबी पोर्ट का सर्किट है। तो हमेशा याद रखें, यूएसबी की पोर्ट जोन सी है उसमें 5 वोल्ट से कनेक्ट होती है, और 2 पॉइंट दरमियान वाले, ये पहला पॉइंट देख रहे हैं, ये पहला पॉइंट दोस्तों, ये ग्राउंड है, अर्थ है, और ये 2 पिने डाटा है, और ये लास्ट पिन जोन सी है, ये 5 वोल्ट है। इधर 5 वोल्ट आने चाहिए, और हम इसको चेक करेंगे क्या इधर 5 वोल्ट आ रहे हैं। 9 वोल्ट पे कर लेंगे मीटर का, हमने 9 वोल्ट पे कर लिया डीसी। इधर चेक करेंगे, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों, यूएसबी पे लास्ट पिन पे 5 वोल्ट आ रहे हैं। अगर वोल्ट आ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं यूएसबी कनेक्ट हो रही, क्या वजह है? तो ये जोन से डाटा पिन है, इनमें ये वोल्ट शो नहीं होते। क्योंकि ये जो यूज़ करते रहे हैं, इसमें ना यूएसबी को दबाव लगा हुआ है ऐसे ऐसे। हम ये पोर्ट की पहले पिने चेक करेंगे, पिने इस पोर्ट के साथ कनेक्ट हैं कि नहीं। इसकी जो सी पिन्स हैं, ये इसके अंदर पिन्स हैं, वो इसको देखेंगे ये कनेक्ट है या नहीं।
ये चेक कर लेते हैं और मज़ीद ये देख लेंगे प्रिंट, इस पीसीबी के ये प्रिंट देख लेंगे, यहाँ से भी डिसकनेक्ट हो सकता है सर्किट, यहाँ से भी हम चेक करेंगे, यहाँ से डिसकनेक्ट तो नहीं है। पहले हम ये पिन्ने चेक करेंगे इस पोर्ट की, इसके अंदर से कि ये पिन्ने काम कर रही हैं कि नहीं। दोस्तों पोर्ट के अंदर जो से ये कनेक्ट पिन्ने हैं, ये देख रहे हैं ये पिन्ने, इस पिनों में हम मीटर की प्राड के साथ एक एक पिन यहाँ से चेक करेंगे। देखें जी ये ठीक है, मीटर हमारा बता रहा है ये पहली पिन ठीक है। इसी तरह हम दूसरी पिन पे मीटर की प्राड लगाएंगे और दूसरी पिन इधर से चेक करेंगे, यहाँ से डिसकनेक्ट तो नहीं है। हाँ जी ये भी लगी हुई है ठीक है। दोस्तों टोटल चार पॉइंट होते हैं, हमने दो पॉइंट चेक कर लिए हैं, दो पॉइंट ठीक बताए, अब तीसरा पॉइंट चेक करने लगे हैं जी, तीसरा पॉइंट भी सही बता रहे हैं। और लास्ट पॉइंट वो भी चेक करेंगे जी, वो भी ठीक है। इसका मतलब है कि यूएसबी पोर्ट जोन सी है ये भी ठीक है। अब दूसरा हम ये देख रहे हैं ये प्रिंट, ये ब्रिक ब्रिक प्रिंट नज़र आ रहे हैं ठीक है जी। यहाँ से इन पिनों को चेक करेंगे, यहाँ तक ये जैक है इसका, चेक करते हैं कि यहाँ से प्रिंट ब्रेक तो नहीं है, सर्किट ब्रेक तो नहीं है यहाँ से, क्योंकि इधर से पीछे कार्ड में से तो सही वोल्टेज भी आ रहे हैं, डाटा के भी वोल्ट सही आ रहे हैं, डाटा के वोल्ट तो शो नहीं होते। फिर भी पहले हम यहाँ से तसल्ली करेंगे ये हमारा ये पोर्ट का ठीक है। हम ये पहला पॉइंट चेक करेंगे, ये जैक कनेक्ट जैक है, ये पीछे ये पिने लगी हुई हैं इसका कनेक्ट की, इधर से हम चेक करेंगे, ये ग्राउंड है हाँ जी ये भी ठीक है। और दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, ये देखें दोस्तों दूसरे पॉइंट की, पहला पॉइंट ग्राउंड का था वो चेक किया, वो यहाँ तक ठीक यानी कि बता रहा है। अब हम दूसरी पिन को चेक करेंगे, इधर से ये सर्किट है ये देखें, ये दूसरी पिन का ये सर्किट जा रहा है, ये लाइन जा रही है यहाँ, यहाँ ये नहीं बता रहा, यानी कि इसी वायर रास्ते से ये सर्किट रास्ते से कहीं ब्रेक है, जिसकी वजह से यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रही, ये देखें। और ये तीसरा पॉइंट ये देखें मीटर, ये भी ठीक है। और लास्ट पॉइंट 5 वोल्ट का, ये भी बता रहा है 5 वोल्ट तो आ ही रहे हैं ठीक है। ये हमने सर्किट चेक किए हैं कि सर्किट ब्रेक तो नहीं है, एक पिन का सर्किट ब्रेक है, यानी कि इसी वजह से यूएसबी ऑन नहीं हो रही, शो नहीं हो रही। इसका हम यहाँ से जम्पर वायर लगाएंगे यहाँ तक, इसको हमने ये ट्रेस लिया कि ये रास्ते में सर्किट ब्रेक है। दोस्तों छोटी सी वायर लेंगे एक, हम इसको ये काट लेंगे, ये इनको हम सोल्ड कर लेंगे। इसका दूसरी पिन से सर्किट ब्रेक है, उस सर्किट को हम सोल्ड कर लेंगे पहले। ये हमने ये वायर दूसरी पिन पे वायर का टुकड़ा सोल्ड कर दिया। अब प्रिंट की दूसरी साइड पे ये जैक है इसका,
इधर हम लगा देंगे इसका, ये पॉइंट बन रहा है, ये देखने, ये पहला पहला प्रिंट का सर्किट है, ये जा रहा है ये ऊपर वाली पहली पिन छोड़ के दूसरी पिन पे, इसको हम इधर सोल्ड कर देंगे। ये हमने दोस्तों ये देखें, इस पोर्ट को हमने सारा टेस्ट किया, चेक करने के बाद हमें पता चला कि इसकी दूसरी, इसकी इस पोर्ट की यूएसबी की चार पिन्ने होती हैं, जिसमें एक ग्राउंड की होती है, दो डाटा होती हैं और चौथी 5 वोल्ट। ग्राउंड के साथ वाली जोन सा प्रिंट था वो ब्रेक था रास्ते से, उसको हमने ये जंपर वायर लगा दी है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ये काम कैसा रहा है, ये जैक लगाएंगे इसका। दोस्तों ये आपने याद रखना है, ये जैक का उल्टा सीधा भी होता है, ये निशान लगा हुआ है, ये देखें ग्रीन कलर का इस साइड पे, और ये सर्किट पे ये देखो, ये एरो का निशान है, एरो के निशान पे इस निशान की साइड आनी चाहिए, ये याद रखें। कोई भी बोर्ड है, हर बोर्ड पे जैक का उल्टा सीधा का निशान होता है, अब ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हमने सप्लाई सर्किट को जंपर लगा दिया, इस पोर्ट को आपके सामने सारे पॉइंट चेक किए, और दूसरा पॉइंट डिस्कनेक्ट था, हमने उसको वायर लगा के जंपर लगा दिया। तो इस वायर लगाने से पहले हमने यूएसबी का इस्तेमाल किया, तो जब हम इस पे एंटर करते थे और इधर नो डिवाइस रहता था कि यहाँ आपका कोई डिवाइस नहीं लगी। दोस्तों हमने ये जंपर लगा लिया, अब हम चेक करेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिला है। अब हम यूएसबी लगाते हैं, आप देखते हैं कि आगे डिवाइस कनेक्ट होती है कि नहीं। ये हमने डिवाइस ये हम यूएसबी कनेक्ट करने लगे हैं, कनेक्ट कर लिए, ये देखें जी यूएसबी कार रीडर हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखें हमें क्या रिजल्ट मिलता है, अब हम चेक करेंगे हमें यहाँ इसने शो का बताया कि नहीं कनेक्ट। वाओ वेरी नाइस दोस्तों, यूएसबी हमने कनेक्ट की है, तो इधर देखने कह रहे हैं जी मीडिया 2.0, ये कार्ड रीडर का नंबर है, यानी कि ये हमारा काम बेहतरीन रहा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी हर वीडियो आपको आने वाली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारा काम दुरुस्त रहा और हम इसको चेक करेंगे मीटर के साथ। यूएसबी हमने कनेक्ट की है, वर्क भी कर रही है कि नहीं, नाइस। ये देखने जी यूएसबी लगाई हमने, उसने अपने फोल्डर शो कर दिए। दोस्तों हमारा ये काम बहुत ही अच्छा रहा, आपको हमने समझा दिया, बता दिया, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।